हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पार्ट वन का वीडियो आ चुका है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप आसानी से वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट वन में कौन कौन से रखे गए थे। यहाँ पर पार्ट वन में हमने आपको फोर्थ यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं। फोर्थ यूनिट मतलब एजुकेशन प्रोग्राम बी एड फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड पेपर की हम बात कर रहे हैं, जो कि इसका नाम है सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर हम यूनिट थर्ड और सेकेंड की बात करने वाले हैं, आप आसानी से यहाँ पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। यूनिट थर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप प्रिपरेशन करके ही, इनको तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड और सेम हूबहू यही क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी और साथ में सेक्शन ए में, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी में हाल ही में चार चार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। उन चार क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, यानी सेक्शन बी से एक क्वेश्चन करना है और सेक्शन सी से एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है कि शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या तात्पर्य है, असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का सार्वभौमिकरण व इसकी समस्याएं क्या क्या हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के क्षेत्र में यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका क्या है। उसके बाद राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है अल्पसंख्यक क्या है और अल्पसंख्यक को शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएँ प्राप्त हैं। अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और उनका निदान कैसे किया जा सकता है। और सेकेंड अगर यूनिट की बात करें तो मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक कर्तव्य क्या हैं और भारतीय संविधान में कहाँ इनका वर्णन है और ये कैसे शिक्षा के क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय प्रजातंत्र क्या है, प्रजातंत्र व उसकी गुण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको चंद बताए हैं। कह सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर जो कि आपको एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, इनको आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, कह सकते हैं रट लीजिएगा, क्योंकि इनमें इनसे ही रिलेटेड और हूबहू यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।